मैंने ये भी सुना है कि जो पिरामिड्स हैं ये मतलब एनर्जीज का सबसे ज्यादा अधिकतम एनर्जी यहाँ पर होती है पिरामिड्स के नीचे। पिरामिड एनर्जी जो है ये बहुत ही पुराना शास्त्र है, बहुत ही पुराना विजडम है। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो रेक्टेंगल हो या एक सर्कल हो या स्क्वायर हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो या पिरामिड हो, सब में ऊर्जा होती है। रेक्टेंगल में भी होती है, स्क्वायर में भी होती है, सब में होती है। पर जो साइंटिस्ट या रिसर्च या पिरामिडोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ टाइम पिरामिड एनर्जी स्टडी करने में या पिरामिड पावर स्टडी करने में गुजारी है, उनका अगर उनके बुक्स आप पढ़ेंगे, उनका रिसर्च करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि पिरामिड एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है। क्योंकि अगेन हम थोड़ा बेसिक्स में जाते हैं, पिरामिड के बारे में बात करते हैं, और फिर ये भी है कि सारे जो आपने नाम लिए हैं टेम्पल्स या चर्चेस या मॉस्क या गुरुद्वारास, ये सारे भी पिरामिड शेप में से ही डिराइव होके आए हैं। पहले हम बात करते हैं पिरामिड एनर्जी के बारे में बात करना है तो पहले मुझे थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना पड़ता है। पिरामिड्स के बारे में मैंने बचपन से ही पिरामिड्स को देखा है, पिरामिड एनर्जी महसूस किया है, और जब मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया या रिसर्च करना शुरू किया, तो पिरामिड एनर्जी पहले मेरे नज़र में आई। मतलब पहले जो भी मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, वो एनर्जी वर्क हो या क्रिस्टल्स हो या जो भी है, पिरामिड्स एक बहुत एक अहम इम्पोर्टेंस में था। मतलब क्योंकि उसका एनर्जी एक सब कुछ जो है, जो हम सोचते हैं, वो एम्प्लीफाई करता है। मैं बताती हूँ कैसे करता है। हर एक स्ट्रक्चर में एनर्जी होता है, हर एक स्ट्रक्चर में ऊर्जा होती है। वो साइंटिस्ट में डेफिनेटली वो उन्होंने देखा है, उनको वो जब मैं साइंटिस्ट बोलती हूँ, साइंटिस्ट जो पिरामिडोलॉजिस्ट, जो पिरामिड्स के बारे में अपनी पूरी लाइफ दे दी, डेडिकेट कर दी स्टडी करने में, इन जिनके नाम है करेल दरबाल या पैट्रिक फ्लैनिगन और निकोला टेस्ला, भी पिरामिड्स के बारे में बहुत उन्होंने रिसर्च किया था। मैं स्पेसिफिकली आज पैट्रिक फ्लैनिगन, जो साइंस ऑफ पिरामिड पावर लिखा है, उनके बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे जो रिसर्च है, मैंने एक कोर्स भी किया था पिरामिड मास्टरी, उनका जो योगदान है पिरामिड एनर्जी या पिरामिड पावर के ऊपर बहुत ही खास है। आज भी हम उनको पिरामिड्स के बारे में बात करते तो उनका नाम ज़रूर लेते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो भी बहुत साइंटिफिक थे, वो भी ऐसे ही मानते नहीं थे कि पिरामिड्स पावर है कि नहीं। तो वो सारे शेप्स के साथ एक वोल्टेज लगा के उनका ऊर्जा कर्लियन फोटोग्राफी थ्रू उनका ऊर्जा मेजर करने का उन्होंने कोशिश किया था। तो उन्होंने एक पिरामिड रखा है, एक आइकोसाहीड्रन या डोडेकाहीड्रन, ये सारे जो डिफरेंट सीक्रेट ज्योमेट्रीज या एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, सब का एक्सपेरिमेंट्स करते हुए उन्होंने ये देखा कि पिरामिड जो है उसके अंदर जो एनर्जी है वो किसी में उनको नहीं दिखा। तो वो डेफिनेटली एविडेंस के साथ ये कहते हैं कि जो पिरामिड एनर्जी है वो सबसे हाई है। और पिरामिड के बारे में बात करते हैं, पिरामिड का मतलब क्या है, जो ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पायरामिड मतलब फायर इन द मिडल, या इजिप्शियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पर मीटर मतलब हाउस ऑफ एनर्जी। वो इजिप्शियंस हो या ग्रीक हो, सब ने एक चीज़ डेफिनेटली महसूस किया कि पिरामिड के अंदर कुछ है जो वो हाउस ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं या फायर इन द मिडल बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो ऊर्जा है। तो वो टेस्ट करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आए हैं, और जो एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही पॉपुलर है, वो जो है रेजर ब्लेड एक्सपेरिमेंट। सो ये जो है मनुष्य साइंटिस्ट, इनफैक्ट मैं उनको साइंटिस्ट भी कह सकती हूँ, अर्ली 1900s में
एक सेकोस्लोवाकिया, ये जो कंट्री में है, वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने पिरामिड्स के बारे में सुना था, वो टाइम पे एक्चुअली पिरामिड एनर्जी के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत एक्सपेरिमेंट्स, बहुत रिसर्च हो रही थी, तो उन्होंने सुना था इसके बारे में, और वो कम्युनिस्ट कंट्री में रहते थे, तो वहाँ पे मनी का बहुत प्रॉब्लम था, तो उनको एक्चुअली शेव करने के लिए भी मनी, वो रेजर खरीदने के लिए भी मनी नहीं था। तो उन्होंने एक सोचा, यू नो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं इंग्लिश में, अगर हमको कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम यू नो इनोवेशन की तरफ जाते हैं। वैसे ही उनको, उन्होंने सोचा कि चलो पिरामिड एनर्जी के बारे में बहुत सुना है, ये रेजर इसके नीचे देख रख के देखता हूँ कि क्या होगा। तो उन्होंने वो पिरामिड के नीचे रेजर रखना एक 24 आवर्स टू 48 आवर्स नीचे रखा था। उसके बाद ये यूज्ड रेजर था, उसके बाद 48 आवर्स के बाद उन्होंने देखा कि ये रेजर बहुत शार्प हो गए, मतलब वो परेशान हो गए, मतलब ये क्या, सिर्फ हम ऊर्जा की बात कर रहे थे अभी तक, मतलब फूड प्रिजर्वेशन ये सब बहुत पॉपुलर था, ये सब एक्सपेरिमेंट्स, पर अभी क्या हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक फिजिकल मैटर का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होने लगा है पिरामिड एनर्जी के साथ। तो ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी इनोवेशन था, इसके थ्रू उन्होंने एक पेटेंट भी क्रिएट किया है, चियोप्स रेजर शार्पनर पेटेंट। तो इसका मतलब है कि ये जो पिरामिड एनर्जी है, ये सिर्फ एक ऊर्जा, ये जो स्पिरिचुअली हम मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं, ये एक बहुत ही हम देख सकते हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट्स भी चेंज करता है। और पिरामिड्स सिर्फ हम सोचते हैं कि पिरामिड्स, अब जब हम उसकी बात करते हैं तो सिर्फ इजिप्ट में है, हम जो देखते हैं इजिप्ट में जो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पर एक्चुअली पिरामिड्स हर पूरे दुनिया में है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका तो बहुत सारे पिरामिड्स हैं, मेसोपोटामिया, इंडिया, तिब्बत में बहुत बड़ी पिरामिड है, वाइट पिरामिड, चाइना में पिरामिड्स है, अमेरिका में पिरामिड्स है, अलास्का पिरामिड्स है, रशिया में पिरामिड्स है। तो ये पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में नहीं, इनफैक्ट इजिप्ट अफ्रीका में, सूडान में 240 पिरामिड्स है, उसको न्यूबियन पिरामिड्स कहते हैं हम। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं इनको टेक्नोलॉजी बोलती हूँ, क्योंकि ये सारे जो पिरामिड्स बने हैं एंशियंट टाइम्स में बने हैं, बहुत पुराने, बोस्निया में बने हैं अभी पिरामिड डिस्कवर, हर सिविलाइजेशन में बनाए। आप सोचिए, ये तब की बात है, तब कोई ट्रेड नहीं है, ट्रेड कुछ चालू नहीं हुआ है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, कैसे हर एक सिविलाइजेशन में यही टेक्नोलॉजी दिया गया है, कौन ये सोच कहाँ से आई, हर एक को एक ही जो स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है हम सोचने के लिए कि क्यों सब पिरामिड्स ही बनाए। और मैं सिर्फ ये अर्थ की बात कर रही हूँ, पिरामिड्स पूरे यूनिवर्स में है, जुपिटर में है पिरामिड्स, मार्स में है, मून पे है, तो कौन बना रहे ये पिरामिड्स, क्यों पिरामिड्स ही क्यों बना रहे, ये मैं आप सब जो सुन रहे ऑडियंस उनको मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप खुद सोचिए, आप खुद रिसर्च करिए कि क्यों पिरामिड एनर्जी है।